इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉट सो पवित्र रघुराम एंड राजीव लक्ष्मण की। एक हैं क्रिएटर और दूसरे हैं पार्टनर ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन रियलिटी शो MTV रोडीज। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि इन खतरनाक जुड़वा ब्रदर्स ने रोडीज के बाद अपने करियर में क्या क्या किया, थोड़ा सा इनकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं एंड साथ ही साथ जानते हैं व्हाई दे लेफ्ट रोडीज। दोनों भाइयों का जन्म 15 अप्रैल 1975 में हुआ था। इनके पापा चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वहीं इनकी मम्मी एज अ जर्नलिस्ट वर्क करती थी। रघु ने कॉलेज खत्म करते ही MTV इंडिया ज्वाइन किया और वहां वो एज अ सुपरवाइजर वर्क करने लगे फॉर MTV लव लाइन एंड MTV सुपर सिलेक्ट। रघु ने 2000 में रोडीज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया MTV को, जिसका पहला सीजन एज अ एक्सपेरिमेंट चला, बट सीजन 2 के बाद शो बहुत पॉपुलर होने लगा। राजीव ने रोडीज के 6 सीजन में ज्वाइन किया था अपने ब्रदर का शो। उसके बाद दोनों ने 7 सीजन में लेफ्ट कर दिया, बट अगले सीजन में वापस आ गए। राजीव ने सीजन 9 के बाद लीव कर दिया, वहीं रघु का प्लान था सीजन 10 के बाद क्विट करने का, बट MTV के रिक्वेस्ट पे इन्होंने सीजन 11 के ऑडिशन जज किए। रघु एंड राजीव का मेन रीजन रोडीज छोड़ने का ये था कि वो अपनी इमेज चेंज करना चाहते थे पब्लिक के नजर में। वो चाहते थे कि पब्लिक उन्हें एज अ क्रिएटर्स की तरह देखे एंड ना कि कोई रियलिटी शो के एंग्री ट्विंस की तरह। बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होगी कि रघु ने रोडीज के साथ साथ स्पिट्सविला को भी लॉन्च किया था। रोडीज छोड़ने के बाद रघु ने अपनी बुक लॉन्च की रियर व्यू माई रोडीज जर्नी, वहीं राजीव ने प्रोडक्शन क्रू में वर्क किया इन स्टंट रियलिटी प्रोग्राम जानबाज। फिर 2016 में रघु ने अपना वेब सीरीज लॉन्च किया जिसका नाम था आयशा माई वर्चुअल गर्लफ्रेंड, वहीं राजीव ने उसी साल धनक मूवी में अपीयरेंस दी। अब दोनों वर्क करते हैं अपने न्यू रियलिटी शो में जिसका नाम है MTV ड्रॉप आउट। रघु की पर्सनल लाइफ में भी चेंजेस आए रोडीज छोड़ने के बाद। इनकी वाइफ सुगंधा गर्ग के साथ इनका डाइवोर्स हो गया एंड नाउ ही इज मैरिड टू नेथली, जो कि इनसे 15 साल छोटी हैं, क्योंकि शो बिजनेस में आजकल इसी चीज का ट्रेंड चल रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। भग जाए यहां से। चाहिए तो रहा हूं, गुस्सा क्यों हो रहे हो?